चैट बॉक्स में बताइए कि आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो वेलकम टू कीवा टाइप इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दिस इज धरिंदर सिंह फ्रॉम कीवा इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव वेबिनार के अंदर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बी अ लीडर। क्या आप लीडर हैं? हमें लीडर बनना है। हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? लीडर बनने के लिए आए हैं। तो लीडर कैसे बन सकते हैं, कैसे बना जाता है? अगर लीडर हैं तो क्या क्वालिटीज हैं, क्या कुछ करना चाहिए, उस चीज के आज ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। कोई भी डिटेल आपको अच्छा लगे तो आप उसको यहाँ पे डायरी पे नोट कर सकते हैं। सभी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आपको अच्छी लगे, इफेक्टिव लगे, अलग लगे, उसको प्लीज जरूर नोट कीजिएगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये जो सेशन है, और देखते हैं क्या हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, द अल्टीमेट ट्रेनिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ऊपर तक जाना चाहते हैं, तो ये जो मीटिंग है खास आप सब लोगों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो मीटिंग है। तो माय डियर फ्रेंड, आज के मीटिंग में सबसे पहली चीज 80-20 रूल एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। ये जो 80-20 रूल है, बेसिकली क्या चीज है? एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हम सभी लोग जानते हैं दुनिया में 80% जो क्राइम होते हैं वो सिर्फ 20% लोग करते हैं। दुनिया में जो भी क्राइम हो रहा है उसको सिर्फ 20% लोग कर रहे हैं, राइट। दुनिया में 80% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो सिर्फ 20% लोग कर रहे हैं। 80% एक्सीडेंट, 20% लोग कर रहे हैं। दुनिया में 80% जो पॉल्यूशन है वो 20% जो फैक्ट्रीज हैं वो कर रही हैं। और दुनिया में 80% जो सेल्स है, जो कंपनीज हैं, सिर्फ 20% है। 80% का जो बिजनेस आ रहा है वो सिर्फ 20% कंपनी से आ रहा है। इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पे? 20%। रिजल्ट कितना मिल रहा है? 80%। तो जो 20% एफर्ट्स लग रहे हैं उनसे 80% जो रिजल्ट है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो 80-20 रूल है, किसी भी टीम में देख लीजिए, लीडर सिर्फ 20% होते हैं, बाकी की 80% पूरी टीम होती है, 80% पूरी टीम होती है। तो हमने यहां पे, क्या हम उन 20% लोगों में शामिल है? क्या आप उतना एफर्ट कर पा रहे हैं जो वो 20% लोग कर रहे हैं? सभी लीडर नहीं बनते हैं, बहुत कुछ लोग होते हैं जो लीडर बनते हैं। क्या आप उनमें शामिल हैं? चेक कीजिए अपने आप को, लीडर क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसी क्या चीजें हो रही हैं, कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा हूं, कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं, कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है, कहीं कुछ छूट रहा है, या कहीं पे क्या कुछ करना चाहिए, क्या एफर्ट्स करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, टीम टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये सभी जो प्रॉब्लम है चल रही है, तो ये जो सेशन है खास आप सब लोगों के लिए है। आइए चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। 80-20 रूल जो होता है माय डियर फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग में, 3 MVPs जो नेटवर्क मार्केटिंग के अकाउंट जो होते हैं 80% रिजल्ट लेके आते हैं। ये तीन चीजें आपकी टीम में 80% लेके आती हैं, जो रिजल्ट लेके आते हैं। कैसे? 3 MVPs कौन कौन से होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के? सबसे पहले रिक्रूटमेंट, दूसरी फॉलोअप, और तीसरा ट्रेनिंग। क्या आपकी टीम में रिक्रूटमेंट हो रही है, नई ज्वाइनिंग आ रही है? क्या आपकी टीम में फॉलोअप हो रहा है, जो ज्वाइनिंग आ रही है, जो सेल हो रही है, जो प्लान हो रहा है, जो मीटिंग हो रही है? क्या आपकी टीम में ट्रेनिंग हो रही है? माय डियर फ्रेंड, ये तीन चीजें ऐसी हैं, अगर इनमें से कोई भी एक छूट जाता है तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ढह जाता है, पूरा का पूरा जो टीम है वो नहीं रहता है, वो फिनिश हो जाता है। एक भी चीज इसमें मिस नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग चल रही है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, फॉलोअप कहां से होगा? कोई फायदा नहीं है। रिक्रूटमेंट हो रहा है, फॉलोअप हो रहा है, ट्रेनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो माय डियर फ्रेंड रिक्रूटमेंट कहां से होगी?
फॉलोअप ले रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं। तीनों चीजें क्या आप तीनों चीजें कर रहे हैं, क्या आपकी टीम तीनों चीजें कर रही है, आपकी टीम में कितने लोग इन तीनों चीजों को कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हम ये काम कर पा रहे हैं? इन तीनों चीजों के ऊपर दोस्तों गौर कीजिए, ये तीनों चीजें आपको लीडर बनाती हैं। अगर इन तीनों चीजों में आप मास्टर हैं, आप अकेले ही नहीं, आपकी टीम में कितने लोग इन तीनों चीजों को कर रहे हैं, क्या वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्या वो फॉलोअप ले रहे हैं, क्या वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, आपकी टीम अगर 500 लोग हैं तो क्या आप 500 लोगों का फॉलोअप ले सकते हैं? नो, आप 10 लोगों का फॉलोअप ले सकते हैं, 15 लोगों का मैक्सिमम। उनसे आगे फॉलोअप दिलवाइए, उनसे आगे फॉलोअप लीजिए। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या आप एक महीने में 100, 200, 150 ट्रेनिंग कर पा रहे हैं? नो, नॉट पॉसिबल। लेकिन जो आपके 10 लोग हैं, आप उनके साथ बात कीजिए, क्या वो ट्रेनिंग कर रहे हैं? दैट इज पॉसिबल। रिक्रूटमेंट, फॉलोअप, जो भी चीजें हैं माय डियर फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं। इन तीन चीजों, ये लिख लीजिए दोस्तों, अगर आप लीडर हैं, लीडर बनना चाहते हैं, इन तीन चीजें लिख लीजिए। ये तीन चीजें सारी जिंदगी ये बेसिक रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर ये है तो सब कुछ है। लोग इनमें से एक चीज मिस कर देते हैं, लीडर नहीं बन पाते हैं। वो बोलते अच्छा है, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, उनमें टीम बनाने की भी क्षमता होती है, लेकिन टीम चला नहीं पाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ट्रेनिंग कर भी रहे हैं तो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। रिक्रूटमेंट हो रही है, कई बार नहीं भी हो रही है, फॉलोअप नहीं ले रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक पर्सन के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी वो उसको प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, सेल नहीं निकल पा रही है। तो माय डियर फ्रेंड, उसके पीछे ये तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आप लीडर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा टीम हैंडल करते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी करते हैं, लेकिन अगर स्टिल उसकी वजह से आपको सेल नहीं मिल पा रही है, इन तीनों में से कौन सी चीज मिसिंग है, उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। लेजी हो जाते हैं, थोड़ी सी सेल बढ़ती है लेजी हो जाते हैं, टीम के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। क्या आपका टीम के ऊपर कंट्रोल है? क्या आपकी टीम से रेगुलर बात हो रही है? अगर आपके माइंड में एक भी बार ये आया कि मैं कल करता हूं या मैं परसों करके देखता हूं, चलो बात तो चल रही है, अभी तो इससे बात होके हटी है, दो दिन पहले बात होके हटी है, माय डियर फ्रेंड, आप उसको खो देंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आप उस लीडर को जो कि बहुत अच्छा लीडर बन सकता था, आप उसको खो देंगे। क्योंकि जो नीचे वाला पर्सन है वो क्या देखता है? वो आपको देखता है, आपका कंपैरिजन दूसरे लोगों से करता है, क्या आप अच्छी लीडर है या दूसरा अच्छा लीडर है, कौन अच्छा लीडर है। आप अगर उसको एफर्ट नहीं देंगे, उसको टाइम नहीं देंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे, तो हम उसको खो देंगे। सिंपल सी चीज है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट खो देगा, या तो वो खुद आगे बढ़ जाएगा या वो छोड़ के चला जाएगा। तो हमने यहां पे टीम हैंडलिंग, टीम को संभालना है, टीम को संभालना आपके हाथ में। अरे आप उसको लेके आए हैं, आपने उसको बनाया है, आप उसको सिखा रहे हैं, कुछ दूसरा के सिखाएगा? नो, हम उसको सिखाएंगे। हम किस लिए हैं? हम उसको सिखाएंगे, हम उसको तभी सिखाएंगे जब हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। मीटिंग ऐसे की जाती है, रिक्रूटमेंट ऐसे किया जाता है, ज्वाइनिंग ऐसे की जाती है, फॉलोअप ऐसे लेते हैं, ट्रेनिंग ऐसे करते हैं। एक एक स्टेप उनको सिखाना पड़ता है, हाथ पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ता है, और जिसको आपने हाथ पकड़ पकड़ के सिखा दिया, वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। राइट? तो दोस्तों, टीम के साथ यहां पे आपने इस तरीके से रहना है। रिक्रूटमेंट, ऐसा कोई लेवल नहीं है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में कि अगर आपने अच्छे से रिक्रूटमेंट किया, एक्टिव रिक्रूटमेंट किया, तो वो पॉसिबल ना हो। पे आउट आप डिसाइड करेंगे, कितना पे आउट चाहिए अगर आपके पास एक्टिव रिक्रूटमेंट है। जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, अगर आपके पास ये एक्टिव रिक्रूटमेंट है, तो माय डियर फ्रेंड, ऐसी कोई भी टारगेट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप अचीव ना कर सके। लोग करते हैं, लीडर्स करते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते हैं? उस चीज को चेक कीजिए। फॉलोअप, द गॉड इज इन द फॉलोअप। हर एक चीज फॉलोअप में है। क्या फॉलोअप ले पा रहे हैं अपनी टीम से, अपने कस्टमर से? क्या फॉलोअप ले पा रहे हैं? 80% लोग नहीं लेते हैं, 80% लोग रेगुलर फॉलोअप नहीं लेते हैं। जो बीच बीच में लेते हैं उनको सेल फिर भी मिल जाती है,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 80% लोग जो हैं वो फॉलो अप नहीं लेते हैं। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम क्या कर रही है, अरे पूछिए तो सही, आज आपकी टीम ने क्या किया है, आपकी टीम के 10 लीडर हैं उन्होंने क्या किया है, पूछिए तो सही। अगर डायरेक्टर हैं आपके नीचे जो मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने क्या किया, पूछिए तो सही। अगर आप चेयरमैन हैं, आपके डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, कितनी मीटिंग की है आज उन्होंने, कितनी ज्वाइनिंग की है, पूछिए तो सही। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर हम फॉलो अप नहीं लेंगे तो यानी कि लीडर यही बोलेगा कि हमारे साथ टच में नहीं है, तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, वो या तो बैठ जाएगा या वो काम ही नहीं करेगा। वो कह रहे ठीक है यार, जो काम नहीं कर रहे ठीक ऐसे चल रहा है तो चलने दो। नो माय डियर फ्रेंड, हमने अपनी टीम को एक्टिव रखना है, फॉलो अप रेगुलर लेना है उनसे, क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। आपके जो टीम मेंबर, आपका जो लीडर है, डाउनलाइन है, अगर छुट्टी पे है, काम नहीं कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज वो छुट्टी पे है, किस वजह से छुट्टी पे है आपको पता होना चाहिए। ट्रेनिंग, माय डियर फ्रेंड, एक सिंपल सी चीज है, जिस पर्सन के हाथ में मार्कर है वो सबसे ज्यादा कमाई करता है। जिस पर्सन के हाथ में मार्कर होता है, क्योंकि तो जिसके हाथ में मार्कर है वो बोर्ड पे तभी लिखेगा जब उसको नॉलेज होगा, वो प्लान तभी समझाएगा जब उसको पता होगा, वो प्रोडक्ट के बारे में तभी बताएगा जब उसको पता होगा, वो प्रोफाइल के बारे में तभी बताएगा जब उसको पता होगा। तो क्या आपके पास मार्कर पकड़ने की हिम्मत है? आपकी टीम में से कितने लोग मार्कर पकड़ सकते हैं, चेक कीजिए, आज ही आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चेक कीजिए, लिखिए इसको डायरी के ऊपर, लिखिए आपकी टीम में कितने लोग मार्कर पकड़ सकते हैं, पकड़ के उसको सिखा सकते हैं, चेक कीजिए। ये बेसिक चीजें हैं माय डियर फ्रेंड। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर पे पहुंच चुके हैं लेकिन कभी स्टेज पे नहीं आए हैं, उनको बोलना नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है उनमें। तो माय डियर फ्रेंड, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किस लिए होती है? इसलिए होती है, अपनी टीम को बुलाइए, स्टेज पे बुलाइए कि भाई साहब स्टेज पे आओ, यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, दुकानदार बनने के लिए? नो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग लीडर बनने के लिए आए हैं। तो लीडर बनना है तो आपको ट्रेनिंग पहले लेनी है, फिर ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग देनी है। अब जब ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो माय डियर फ्रेंड लीडर ही तो बनेंगे। सिंपल सी चीज है, जब आपको नॉलेज है तब आप यहाँ पे खड़े होकर बोलेंगे। एक बार गलती करेंगे, दो बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, कौन दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन अगर हम ये काम करेंगे तभी ये सभी जो चीजें हैं माय डियर फ्रेंड वो पॉसिबल हो पाएंगी। हमें अपनी टीम को यहाँ पे ट्रेन करना है, उनको ट्रेनिंग हमने देनी ही देनी है। जितना टाइम सोचोगे उतना ही लगेगा, कट द टाइम इन हाफ, सिंपल सी चीज है, जितना आप सोचते रहेंगे उतना ज्यादा वो लगता रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये काम 3 घंटे में हो जाना चाहिए, कोशिश कीजिए 1.5 घंटे में उसको फिनिश करें, कोशिश कीजिए कि उसको 1.5 घंटे में करना है। अगर आपको लग रहा है कि 1 हफ्ते में इतनी मीटिंग करनी है, कोशिश कीजिए उसको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दी जाए, कोशिश कीजिए और वो होगा। जिस काम को आप सोच के चल रहे हैं कि इसको 24 घंटे लगने वाले हैं, वो काम 12 घंटों में पॉसिबल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि दिन में काम नहीं हो पा रहा है तो रात को काम कीजिए, करके देखिए, बहुत बिजनेस आता है रात को काम करने में, बहुत बड़ा बिजनेस आता है। ये प्रैक्टिकली प्रूवन चीजें हैं, ये प्रैक्टिकली प्रूवन चीजें हैं जिनके बारे में हमने देखा है। ऐसे आपको बहुत सारे लीडर्स मिलेंगे जिनको रिजल्ट मिला है, क्योंकि जिन्होंने मीटिंग की है उनको रिजल्ट मिले हैं। कट द टाइम इन हाफ, जो टाइम आप मान के चल रहे हैं उसको आधा कर दीजिए, इतने में ये टाइम करना है, ये काम जो है वो इतने टाइम में करना है, एब्सोल्युटली होगा, 100% वो जो काम है वो होगा ही होगा। लेकिन क्या आप लोग कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेशर इज गुड फॉर यू, आपके माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए। हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड सॉल्यूशन खोज लेता है, और प्रेशर में, और प्रेशर में खोजता है, कंफर्ट में नहीं खोजता है। कंफर्ट है तो वो रिलैक्स करेगा, अगर प्रेशर है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप माइंड से पूछोगे कि मेरे को 50,000 रुपए कमाना है, वो आपको रास्ता दिखाएगा कि ऐसे करोगे तो 50,000 मिलेंगे, इतनी मीटिंग करोगे, इतनी सेल निकलेगी, आपको 50,000 रुपए मिल सकते हैं। करना ना करना उसके बाद की बात है, हम वो करते नहीं है। आप अपने माइंड से पूछोगे मेरे को 1,00,000 रुपए कमाना है, वो आपको बताएगा इतनी मीटिंग करनी पड़ेगी, 1 हफ्ते में इतनी, 1 महीने में इतनी, वो आपको रास्ता दिखा देगा, सॉल्यूशन दे देगा आपको।
अगर आप अपने माइंड से पूछोगे मेरे को 10 लाख रुपए कमाना है, वो आपको बताएगा भाई साहब इतनी इतनी मीटिंग करोगे इस लेवल पे पहुंच जाओगे, आपको 10 लाख रुपया भी मिलेगा, महीने का 10 लाख रुपया भी मिलेगा। लेकिन क्या हम वो चीज कर पा रहे हैं, क्या हम उस चीज को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? उस चीज का प्रेशर अपने ऊपर थोड़ा सा बिल्टअप कीजिए। प्रेशर, हम फालतू के प्रेशर लेके घूमते रहते हैं, किसी को कॉल करना है उसमें प्रेशर हमें लगना शुरू हो जाता है, यार प्रेशर है कैसे कॉल करें, लोग ना बोल देंगे हाँ बोल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी ने ना बोल दिया क्या हो गया? अगर कोई आपको पर्सन ना बोल देता तो उससे क्या होगा, कौन सा उसने तीर चला दिया? अरे करोड़ों की आबादी है, एक पर्सन लूज हो गया, 2 हो गए, 10 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन क्या हम उससे बात कर पा रहे हैं? हम बात करना ही नहीं चाहते, किस चीज की वजह से हम इसको खो देंगे? सर ये बहुत अच्छा लीडर था जो मेरे हाथ से छूट गया, तो पूरी दुनिया बड़ी है भाई साहब, करोड़ों की आबादी है, कि करोड़ों की आबादी में हमें कुछ लोग नहीं मिलेंगे, एक पर्सन ने छोड़ दिया, 2 पर्सन, सर ये पर्सन जो है ये हीरा है, सर इसके साथ कहा कि ये नहीं आया तो सर कुछ भी नहीं हो पाएगा। माय डियर फ्रेंड, ये क्या बातें कर रहे हो आप, ये कैसी चीजें होती है? ऐसा नहीं होता है। आपको नहीं पता कौन सा पर्सन हीरा है, कौन सा पर्सन हीरा नहीं है। अगर वो हीरा होता तो कहीं पे जड़ चुका होता, अगर वो कहीं हीरा होता तो जड़ चुका था। हीरो को हमेशा तराशना पड़ता है, हीरा तभी बनता है जब उसको तराशा जाता है। आपने तराशा है, बना बनाया हीरा वो लेने की कोशिश करते हैं। आपने किसको तराशा है? पहले अपने आप को हीरा बनाइए, अपने आप को डायमंड बनाइए। क्या हमने अपने आप को डायमंड बनाया है? क्या हमने आपको अपने आप को तराशा है? हमें प्लान नहीं आता है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, और हम कहते हैं कि हम लोग हीरे हैं, हम डायमंड है, हमने तराशा। भाई सब क्या तराशा है, कौन सी मेहनत की है हमने? ऐसी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को तराशना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी विद बिग माइंड्स, जो लोग बड़ा सोचते हैं उनका, उनके साथ रहिए, उनके ग्रुप में रहिए। अगर आप छोटे माइंड के साथ, छोटी सोच के साथ अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो आप भी छोटा सोचना शुरू कर देंगे। बड़े के साथ रहेंगे आपका जो लेवल है वो बड़ा होगा। सिंपल सी चीज है, आप अपने जो आपका ग्रुप है उसमें अगर 5 लोग हैं तो आप उसका एवरेज हो, आप उसकी एवरेज हो। अगर आपके ग्रुप में लोग 5 लोग हैं जिनकी एवरेज इनकम अगर 30,000 है तो आपकी इनकम 25-30,000 के आसपास ही रहने वाली है। अगर आपके ग्रुप के 5 लोगों की इनकम 5 लाख रुपए है तो आपकी इनकम भी 4-5 लाख के करीब ही रहने वाली है। आपकी एवरेज आपका जो ग्रुप है उसको डिसाइड करता है। आपका ग्रुप में क्या, कौन से लोग हैं चेक कीजिए। आपके ग्रुप के लोग मोटिवेटेड हैं, आप उनकी एवरेज हैं। आपके ग्रुप के लोग सुस्त हैं, आलसी हैं, आप उनकी एवरेज हैं। आपका जो ग्रुप है ये डिसाइड करता है कि आप कैसे हैं, आपने कैसे पार्टनर्स जो है वो चूज किए हुए हैं, क्या वो मोटिवेटेड है या क्या वो डीमोटिवेटेड है या वो आलसी है, कैसे है, ये आपको डिसाइड करना है। चेक कीजिए, आज ही चेक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप किस तरीके के लोगों के बीच में रहते हैं, आप उनकी एवरेज हैं। आप कभी भी अपना जो दिन स्टार्ट है वो कभी भी जो पहले जो 15 मिनट है वो हमेशा ब्लैंक पेपर पे दीजिए, उसको दीजिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 15 मिनट ब्लैंक पेपर पे कुछ लिखा नहीं है। कुछ ना कुछ जो अपना दिन है वो जो पेन है पेपर है उसके साथ अपने आप को दीजिए, कुछ ना कुछ जरूर। क्या क्या चीजें हैं, क्या मेरी प्लानिंग है, क्या आज करने वाला हूं, मेरी टीम क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं, अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है, 10 घंटे में क्या होने वाला है, 12 घंटे में सोने से पहले मैं कहां तक पहुंचूंगा, कल सुबह क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। ब्लैंक पेपर पे लिखिए, मन में नहीं लिखना है हम क्या है, ये करेंगे, यहां जाना वहां जाना। माय डियर फ्रेंड, ये क्या चीजें हो रही हैं, उसको लिखिए। आप किसी मिलने से, आपको किसी से मिलने जाना है उसको लिखिए। आज मैं इससे मिलने जा रहा हूं, आज मेरे घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं उसको लिखिए, आज मेरे को सब्जी लेके आना है उसको लिखिए। लिखने से होता है, बोलने से याद कर। मेरे को अभी भी पता है 90% लोग इस सेशन को देखने के बाद सोने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, आई नो, मेरे को पता है, और वो लीडर नहीं बनेंगे ये भी पता है।
लेकिन जो 10% लोग इस काम को करेंगे वो डेफिनेटली कुछ अलग करेंगे। देखिए, अलग करने वाले लोग ही कुछ बनते हैं। सोना है सो जाइए, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। डेली सो रहे हैं, पिछले 35 40 साल 50 साल से सो ही रहे हैं, तो सेम चीज होगी, आने वाले समय में भी वो चीज होगी। पिछले कम से कम नहीं तो 6-7 महीने से लगातार वेबिनार चल रहे हैं, बहुत कुछ उसमें बताया जा रहा है, स्टिल कुछ लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया और उनको ग्रोथ मिली है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने वो सेशन देखते हैं, बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, और डेफिनेटली वही चीज उनके साथ हो रही है। लोगों ने कोविड के टाइम में घर रहते रहते बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बहुत अच्छी इनकम कमाई है। कुछ लोग उसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर बर्बाद हो गए, लुट गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली अगर आप वही सेम चीज करते रहेंगे तो वही सेम चीज आपके साथ होती रहेगी। कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ भी नहीं। जो हालात आपके साथ है भाई साहब, दुनिया के और जो लोग हैं उनके साथ भी वैसे ही हालात थे, उससे बुरे भी थे, लेकिन उन्होंने उसको हैंडल किया। हमने क्या किया, हमने उसको एक्सक्यूज बनाया। सिंपल सी चीज है, स्लेव योरसेल्फ। अपने आप के लिए कोई ना कोई ऐसी पनिशमेंट रखिए, अपने साथ जेंटल बनिए, राइट? अपने साथ हमने यहां पे जेंटल नहीं बनना है, लोगों के साथ जेंटल बनिए लेकिन अपने आप के साथ नहीं। कोई ना कोई पनिशमेंट डिसाइड कीजिए, अगर आज ये काम नहीं किया तो आज ये चीज नहीं होगी। अगर मैंने इतने लोगों के साथ नहीं मिला तो मैं आज एक रोटी कम खाऊंगा, अगर मैं इतने लोगों से नहीं मिला, आधे से मिला, तो मैं सिर्फ दाल खाऊंगा या जो भी है, अगर मैं इतने के साथ नहीं मिला, एक भी साथ में नहीं मिल पाया मैं, तो मैं आज रात की रोटी नहीं खाऊंगा। कभी करके देखा है, कभी ऐसा कभी किया है? नहीं। क्यों? कंफर्ट जोन में है। अभी हम कंफर्ट जोन में, हमें आदत ही नहीं है उस चीज को करने की। तो माय डियर फ्रेंड, कोई ना कोई पनिशमेंट है वो अपने लिए डिसाइड कीजिए। विल पावर इज अ मसल। आपके अंदर विल पावर है? नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी क्या आपके पास विल पावर है कि नहीं? यार ये तो कुछ भी नहीं है, निकल जाएंगे, टाइम है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं निकाल लूंगा, सेल है, अरे मैं निकालूंगा। क्या ऐसी विल पावर है? सर मेरे ऊपर कर्जा है, सर मेरे ऊपर ये हो गया, सर मेरे ऊपर वो हो गया, दुनिया के ऊपर कर्जा है। आपके अंदर विल पावर है? सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अरे कर्जा ही तो है, क्या दिक्कत वाली बात है? सेल नहीं आ रही है, अरे सेल निकालेंगे सर, मैं मेरे को पता है, जो होना था, जो बहाने मैंने लगाने थे वो लगा लिए, सेल निकलेगी, अब सेल निकलेगी, निकालेंगे। विल पावर होनी चाहिए आपके अंदर। छुट्टियां हैं, बहाना बनाते हैं, छुट्टियां हैं, अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। दिवाली है, बहाने बनेंगे, सर दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, सर बिजनेस नहीं होगा, सर ये नहीं होगा, अरे अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करिए, सर दिवाली आ रही है, बिजनेस ही बिजनेस आने वाला है, छुट्टियां हैं, लोग सब घर पे हैं, सर बिजनेस निकलेगा, कैसे नहीं होगा? माइंडसेट, माइंडसेट हमारा कैसा है? बहाने बनाना। माइंडसेट कैसा होना चाहिए? अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना। आपको सभी को मैसेज मिल रहे हैं कि इतने से लेके इतने दिन तक आपको जो छुट्टियां हैं, बैंक हॉलीडेज वगैरह आ रहे हैं, लोगों ने, लोग कुछ लोग हैं अभी से, सर बहुत छुट्टियां आ रही है, सर इस बार तो ना बिजनेस इतना हो नहीं पाएगा। अरे भाई हमें ऐसे भी फोन आते हैं, सर आप देखते जाना इस बार की क्लोजिंग ना जबरदस्त होने जा रही है, क्योंकि इतने अच्छे मौके पर दिवाली आई है ना, इतने सारी क्लोजिंग पे दिवाली आई है, इतनी छुट्टियां आ रही है कि सर बिजनेस बहुत तगड़ा होने वाला है, और लोगों की सेल आ रही है, लोगों की सेल आ रही है। कुछ लोग बहाने बना रहे हैं, सेल नहीं आएगी क्योंकि पहले ही मान बैठ चुके हैं, अरे सर इस महीने नहीं, अगले महीने देखेंगे। कुछ नहीं होने वाला, इस महीने कुछ नहीं होया, अगले महीने कुछ नहीं होगा, अगले महीने ठंड आ जाएगी, वैसे ही घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं। सिंपल सी चीज, सर फॉग है, ये है। माय डियर फ्रेंड, कोई बहाना नहीं, करना है तो करना है, नहीं करना तो छोड़ दीजिए, ये बीच में कुछ नहीं होता है, या तो हाँ होती है या ना होती है, ये देख लेंगे, सोच लेंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, डेली कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ सीखिए। अगर आप कुछ नहीं सीख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे। अपने आप को अपग्रेड कीजिए। प्लान, क्या मुश्किल है प्लान में? आज रैंक सीखिए, कल को एक रैंक के लिए क्या कुछ करना पड़ता है वो सीखिए, फिर उसके बाद सीखिए डायरेक्टर लेवल, फिर उसके बाद सीखिए चेयरमैन लेवल। कैसे नहीं आता है, कैसे नहीं आता है? एक दिन का काम है, हफ्ते में भी करेंगे तो भी हो जाएगा, हो जाएगा। प्लान नहीं आता है, प्लान के बारे में ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत बोल देंगे, उसमें कौन है, कोई चाकू लेके खड़ा गया वहां पे, एक बार, दो बार, पांच बार, दस बार, दस लोगों को गलत बोल दे तो कौन सी आफत आ गई भाईजान, क्या हो गया उससे? अगर गलत बोल भी दिया किसी को,
वो नहीं भी जुड़ा आपके साथ, तो कम से कम आपने प्लान तो बताया है, इतनी हिम्मत तो है प्लान बताने की। एक दो चीजें गलत हो जाएंगी, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बताइए तो सही, हम बताते ही नहीं है। यहां पे प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम। इंप्लीमेंट व्हाट यू लर्न, जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट कीजिए। नॉलेज इज ऑफ नो यूज इफ नॉट यूज्ड, ऐसी नॉलेज किसी काम की नहीं है जो कभी यूज ना की गई हो। जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट कीजिए, आपने प्लान सीखा है प्लान को इंप्लीमेंट कीजिए, अपनी टीम को समझाइए, अपने लोगों को समझाइए, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कीजिए। बिकम अ डिजिटल नेटवर्कर, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं लेकिन अगर डिजिटल नहीं हो पाए हैं, तो माय डियर फ्रेंड, जो लोग डिजिटल हैं उनके चेक में और अपने चेक में डिफरेंस जरूर चेक कर लीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के पुराने तौर तरीके भूल जाइए। क्या व्हाट्सएप पे एक्टिव है? नहीं है तो आपका चेक कम बनेगा। क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, फेसबुक प्रमोशन कर रहे हैं, यूट्यूब पर प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी वीडियो बना रहे हैं, क्या आपकी टीम वीडियो बना रही है, क्या आप डिजिटल मार्केटिंग कर पा रहे हैं? नहीं, चेक कम बनेगा, क्योंकि दूसरे लोग आपसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया है, वो आज की डेट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी एक जो आबादी है वो वहां पे खड़ी है, वो सोशल मीडिया पे बैठी हुई है। लोग आज की डेट में मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम फेस टू फेस वहां पे बात कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है फेस टू फेस बात करना, लेकिन क्या डिजिटली आप लोगों को जोड़ पा रहे हैं? ये लोग आपको देखते हैं वहां पे, लोग आपको देखते हैं। अच्छा, ये लीडर है, ये लीडर बहुत एक्टिव है, ये लीडर है, ये लीडर कुछ नहीं कर रहा है, तो लोग किसके पास जाएंगे? जो एक्टिव होगा, जिसके बारे में चर्चा होगी, जिसको लोग ज्यादा देखेंगे, लोग उसी के पास जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, बिकम अ डिजिटल नेटवर्कर। अट्रैक्शन मार्केटिंग, लोगों को अट्रैक्ट कीजिए, डोंट फोर्स पीपल, जबरदस्ती नहीं करनी है, उनको अट्रैक्ट कीजिए। कैसे अट्रैक्ट कीजिए उनको? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप कर रहे हैं? कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? बाकी लोग दिन में काम करते हैं, रात को 2 बजे उसको पोस्ट कीजिए, आज रात को 2 बजे इतने लोगों के साथ मीटिंग की, दैट इज अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन है, जो काम कोई और नहीं कर रहा है वो काम अगर आप कर रहे हैं तो वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। चाहे उल्टा लटक के आप वहां पे मार्केटिंग प्लान दिखाइए, लोग वो अट्रैक्ट होते हैं। बी क्रिएटिव, अट्रैक्टिव। अट्रैक्शन क्या कर रहे हैं आपने, ऐसी क्या चीज की है जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं? सोचिए इस चीज के ऊपर, माइंड जो है वो सेटअप कीजिए, प्लान दिखाइए। आज मैंने एक दिन में यहाँ पे हर एक घंटे में मैंने 3-3 लोगों को प्लान दिखाया है, यानी कि एक दिन में मैंने कम से कम यहाँ पे 40-50 लोगों को प्लान दिखाया है। उसको दिखाने का तरीका क्या था कि मैंने यहाँ पे दिखाया, फिर यहाँ पे दिखाया, फिर यहाँ पे दिखाया। आज मैंने अपने घर के पहले ड्राइंग रूम में दिखाया, फिर मैंने छत पे दिखाया, फिर मैंने यहाँ पे दिखाया। अट्रैक्शन कुछ ऐसा जो कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है, जो कोई दूसरा, सड़क पे जाते जाते प्लान दिखाया है मैंने, आज सड़क पे जाते जाते प्लान दिखाया है मैंने, आज करियाने की दुकान पे, मैंने मॉल में, मैंने पार्किंग में, मैंने यहां पे, मैंने वहां पे, मैंने बस में, मैंने ट्रेन में, मैंने प्लान दिखाया है। क्या ऐसी चीज कर पा रहे हैं? इतना पागलपन है? नहीं, इसको लेके आना है। अट्रैक्शन, लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस इज द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। लोग तब तक रोते रहते हैं जब तक सक्सेस नहीं मिलती है, और उनको नहीं मिलती है। सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है कि हमें वहां तक पहुंचना है। नो माय डियर फ्रेंड, ये एक जर्नी है, वो चाहे हंसते हंसते काट लीजिए, चाहे रोते रोते काट लीजिए। कुछ लोगों के पास पैसा होता भी है लेकिन फिर भी रो रहे होते हैं, और कुछ के पास नहीं होता लेकिन फिर भी वो अच्छे तरीके से अपनी जो जिंदगी है उसको काट रहे होते हैं, उसको जिंदगी को एक्चुअली जी रहे होते हैं, जिंदगी दूसरे लोग काटते हैं उसको। तो ये सक्सेस जो है कोई डेस्टिनेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये एक जर्नी है, और ये जर्नी बहुत शानदार होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। एंड आई होप कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कि किस तरीके से ये जो जर्नी है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें हम लोग अगर लीडर बनना चाहते हैं तो हमें क्या कुछ करना चाहिए, किस किस तरीके से ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसमें हम एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, और बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनको पैदा भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। इसी तरीके के और बहुत सारे जो सेशंस हैं वो आपके लिए लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।